कोरोना महामारी के इस संकट में जब लोग एक दूसरे के नज़दीक जाने से भी डर रहे हैं, तो बाराबंकी शहर में युवा समाज सेवी रोहिताश दीक्षित और अंकुर जैन एक बड़ा सेवा अभियान चला रहे हैं। अंकुर जैन रेडीमेड व्यापारी हैं, भामा शाह की विचारधारा से प्रेरित हैं, इसलिए जो भी कमाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा देश धर्म मानवता के कल्याण में खर्च करते हैं। गरीबों को आसानी से भोजन मिले इसके लिए अन्नपूर्णा थाली का अभियान अनवरत चला रहे हैं और अब कोरोना संकट में हर तरह से जरूरतमंदों को सहारा भी दे रहे हैं। रोहिताश दीक्षित बाराबंकी में वकीलों के बड़े नेता ब्रजेश दीक्षित के बेटे हैं, खुद भी वकील हैं, व्यापार मंडल के भी सक्रिय नेता हैं और समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। रोहिताश दीक्षित और अंकुर जैन अपनी पूरी टीम के साथ बाराबंकी में हर उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ दुखियों का रेला है। अचानक लॉकडाउन होने से जब शहर में गरीब और मजदूर परेशान हुए तो उन्होंने शहर में भोजन और राशन सामग्री का वितरण किया। लॉकडाउन 2 और 3 के बाद जब सड़कों पर प्रवासी मजदूर गुजरने लगे तो सड़कों पर घंटों खड़े रहकर प्रवासी मजदूरों की भूख और प्यास मिटाने के लिए पानी और भोजन के पैकेट वितरित किए। इसके बाद जब श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनों से देश भर के श्रमिक रेलवे स्टेशन पहुंचने लगे तो वहां भी अंकुर जैन और रोहिताश दीक्षित की जोड़ी अपनी टीम के साथ श्रमिकों और उनके परिजनों की सेवा में जुटी रही। अपना दर्द लिए देश के गरीब और मजदूर जहां से भी गुजर रहे थे वहां रोहिताश और अंकुर ने पहुंचने की कोशिश की और उन्हें मदद पहुंचाने की कोशिश की। कोरोना संकट ने हमारे देश में मानव सेवा की एक अद्भुत शक्ति को जागृत किया है। सरकारी तंत्र ने गरीबों के लिए जो किया उससे भी बढ़कर समाज के भामाशाह जैसे लोगों ने करने का प्रयास किया और अपने देश के कमजोर लोगों के आंसू पोंछने के लिए कोरोना संक्रमण के खतरे की परवाह न करते हुए पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। द इंडियन ओपिनियन ऐसे सभी देश रत्नों को नमन करता है जो देश के लोगों के लिए हमेशा अपना फर्ज निभाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द इंडियन ओपिनियन। हम लगभग 50 से 52 दिनों से इस महामारी में लोगों की मदद कर रहे हैं। हम लोग पूरी सब्जी, छोला चावल, पानी, अनाज, हर तरीके से आर्थिक मदद, हर तरीके की मदद इस लॉकडाउन में करने की पूरी जो है अपनी तरफ से हम लोग चाह रहे हैं कि कोई जो है भूखा ना रहे, कोई रात में भूखा ना सो सके। हम लोग एक अनमोल चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से भोजन प्रतिदिन 52-53 दिन हो गए उस तरफ से बांट रहे हैं। हाईवे पर जाते हैं, भूखे जो बाहर से मजदूर भाई बहन आ रहे हैं उनको देते हैं। शहर में व्यापार मंडल, अखिल भारतीय संयुक्त व्यापार मंडल की तरफ से हम लोग कच्चा राशन हर मोहल्ले गली बाकायदा हम लोगों ने मोबाइल पे अपने नंबर दे रखे हैं कि अगर कोई के पास राशन की कमी है तो हम लोग चुपचाप एक हाथ लेंगे, मतलब जो है कोई जान नहीं पाएगा, इस तरीके से दे रहे हैं। अगर किसी को आर्थिक मदद चाहिए आर्थिक भी दे रहे हैं, दवा की भी मदद दे रहे हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर दयाल वाजपेयी समिति की तरफ से भी अभी हम लोगों ने 10 दिनों का कैंप चलाया, पूरी सब्जी वितरण किया है। मतलब हमारा प्रयास पूरी तरीके से ये है कि कोई भूखा ना रहे इस लॉकडाउन में। भाई मेरा तो यही कहना है, अगर टीम नहीं होती है तो कोई काम ही नहीं होता। अकेले हम सोचें कि हाईवे पे जाके या शहर में जाके काम कर लें, गाड़ियों में 4-4 गाड़ियाँ होती हैं, 2-2 गाड़ियों से हम लोग निकलते हैं, 5-5 कैरेट लदी हैं। अगर सोचिए कि अगर हम अकेले कर लेंगे तो कैरेट ही नहीं उठा पाएंगे बगैर टीम वर्क। हमारे साथ अंकुर जैन जी जो अनमोल चैरिटेबल ट्रस्ट के महामंत्री हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। अंकुर जी निस्वार्थ मेहनत कर रहे हैं। हम तो कभी कभी कहते हैं कि भैया बहुत हो रहा है, वो कहते हैं कोई चिंता ना करो, हर तरीके से पूरी मदद की जाएगी। और हमारा ये रहता है ना, कभी कभी हम लोग फ़ोटो, हम लोग यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हम लोग कभी कभी फ़ोटो डालते हैं फेसबुक पे तो उस पर कमेंट आता है कि अरे आप लोग बांट दिए और मैसेज डाल दिए। हमारा बांटने का और मैसेज डालने का कोई वो नहीं रहता कि हमारी फ़ोटो जाए। हम लोगों का यही संदेश रहता है कि कम से कम इस फोटो को देख के आप भी जागरूक हों, आप भी मैदान में आइए। जो भूखे लोग हमारी वजह से या हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, या आपके अगल बगल ही हम कह रहे हैं 2 परिवार हैं, अगर आप उनका भी भरण पोषण कर लें तो ये सबसे बड़ा काम होगा। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।